DCR errors and solution, जो भी DCR return files होती है उनमें कुछ errors होती है, उनका solution कैसे करना है उसके बारे में हम discuss करेंगे। तो यहाँ से मैं एक sample file open करता हूँ, ये 38 number की एक file है, ठीक है, उज्जैन मंदसौर। तो इसको double click करके हम open करते हैं। open करने पर ये जो file है इसमें errors show होके आपको, अब क्या करना है, ये जो return file होती है इसमें बेसिकली लाइन वेट ऑन होता है, तो यहाँ पर इसे हम ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एल डब्ल्यू डिस्प्ले, लाइन वेट डिस्प्ले, इसको ऑफ करेंगे इसे हम। तो हमें क्या करना है, अब एरर्स को रीड करना है कि रिटर्न फाइल में कौन कौन सी एरर्स आई। इसमें चार एरर्स आई। तो इसमें फर्स्ट एरर है, वेंटिलेशन पॉलीलाइन इज नॉट एडजेसेंट टू द बिल्डिंग बाउंड्री और कोर्टयार्ड। सेम एरर नीचे भी है, लेकिन ये फ्लोर ग्राउंड की एरर है, इसके बाद नीचे फ्लोर जीरो वन की एरर है। मैं इस एरर पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्यों आई। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। इस एरर का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग की ये वाली बाउंड्री है, इसके पास में आपने वेंटिलेशन नहीं दिया है, वेंटिलेशन को नहीं दिया बेसिकली। तो यहाँ पर आप वेंटिलेशन कोई भी विंडो लगाएं, घर के अंदर नहीं लगाते, घर से बाहर लगाते हैं, मतलब इस वाली आउटसाइड वॉल पर लगाना चाहिए आपको, इस पर्टिकुलर विंडो को 103 को, ठीक है, 103 इसका कलर कोड है, ठीक है, ये वेंटिलेशन एरिया है। तो ये आपने बाउंड्री पे नहीं लगाया है, इसलिए ये वाली एरर आई है, मतलब इसके पास में होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एरर को हम यहाँ से इस वाली एरर को डिलीट कर देते हैं। सेकेंड, फिर से यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते हैं सेम एरर पे, ये फर्स्ट फ्लोर की एरर है, ठीक है, तो यहाँ से इसको भी डिलीट करेंगे, उससे भी डिलीट करेंगे, उससे मूव कर देंगे, एम इंटर से इसे मूव करेंगे। तो मूव करने के बाद यहाँ से प्लेस कर देते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। तो इस एरर का भी सॉल्यूशन सेम उसी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कौन सी एरर है, थर्ड नंबर की, वेंटिलेशन पॉलीलाइन डज नॉट टच हैबिटेबल रूम और स्टेयर केस। इसको कंट्रोल साथ क्लिक करते हैं फ्लोर ग्राउंड पर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम, ये जो 103 कलर कोड यूज़ किया है, ये बेसिकली विंडो के लिए यूज़ होता है, मतलब हैबिटेबल रूम्स में जो विंडो होता है, ये वाला विंडो, उसके लिए कलर कोड यूज़ होता है। गलती से ये वाला कलर कोड 103 यहाँ पर पुट हो गया, इसको 102 करना था, मतलब इसको 102 और ओके करना था, ठीक है। ये गलती से आपने यहाँ पर वेंटिलेशन का कलर कोड गलत दे दिया, तो 102 इसका कलर कोड होता है वेंटिलेशन का, जबकि यहाँ पर आपने 103 कर दिया था, ठीक है। तो सेम एरर हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे भी ही एरर हो। तो पहले हम देखते हैं, इस एरर को डिलीट करते हैं यहाँ से, फिर से कंट्रोल क्लिक करते हैं नीचे वाले एरर पे, सेम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 103 है, मतलब ये वाला जो कलर कोड है 102 यूज़ होना था यहाँ पर, इसको डिलीट करते हैं। तो इस वजह से ये एरर आई थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एरर को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सेम प्रोसेस करनी है आपको, क्या करना है, डब्ल्यू बी कमांड यूज़ करके, पीक पॉइंट यूज़ करके, ठीक है, इसका डब्ल्यू ब्लॉग बनाना है। लेकिन डब्ल्यू ब्लॉग कब बनाना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर लाइन में डिस्प्ले देखना, यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देना, ज़ीरो ज़ीरो करने के बाद डब्ल्यू बी कमांड यूज़ करना है, हमें पीक पॉइंट यूज़ करना है, इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंटर करने के बाद यूनिट लेस करना है और लोकेशन देना है, जो भी हम लोकेशन देंगे DCR फाइल के नाम से वो लोकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सेव करने के बाद जो फाइल हम फिर इस फाइल को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो इस तरह ये एरर सॉल्व हो जाएगी और आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी।